पिछले वर्ष दीपावली थी ना, तो दीपावली जब मनाई जा रही थी तो एक दो दिन पहले ही मन में ऐसा भाव आया, मैं मेरे आश्रम पर वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बैठा हुआ था तो सामने से कोई बहन अपने बच्चे को लेके निकली, नग्न पैर वो बच्चा, कपड़े भी थे नहीं। और मेरे मन में बैठे बैठे ऐसे ही आया कि कल परसों दीपावली है, लाखों रुपए के पटाखे फोड़े जाएंगे, घर में मिठाइयां आएंगी, दीप जलेंगे, फुलझड़ियां जलेंगी, घर सजेंगे। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, ईश्वर ने जिसको दिया है अपने प्राप्त धन में से हम कुछ ऐसा विचार करें, कुछ ऐसी दीपावली मनाई जाए, हमारे घर में तो दीप जले, किसी गरीब के घर में भी एक दीप जल जाए। क्या हम इतने गरीब हो गए? मैं सोच रहा था और विचार बना, व्यवस्था बनाई। हमारे मथुरा में ही एक कोई ऐसी बस्ती जहां वास्तव में पात्र कुछ परिवार रहा करते थे, कुछ गरीब परिवार वहां पे थे। गरीब शब्द मुझे इस्तेमाल मैं बोल रहा हूं लेकिन क्षमा चाहूंगा इस शब्द के लिए। गरीब तो परमात्मा की समष्टि में कोई नहीं है। धन से गरीब होना इतनी समस्या नहीं है, विचार से गरीब हो जाना ज्यादा खतरे का काम है। लोग विचार से गरीब हैं। और उस बस्ती में गए, पांच से परिवारों को, पांच से ऐसी बहनें जिनको वास्तव में साड़ी की जरूरत थी, पांच से ऐसे परिवार शायद अपने पैसे से वो मिठाई का डिब्बा ला पाते या ना ला पाते मुझे नहीं पता। उन बहनों को बुलाया और उन सब बहनों को जाकर एक एक साड़ी और एक एक मिठाई का डिब्बा दिया तो सच बताएं कितनी सारी बहनों की आंखों से अश्रु निकल रहे थे। रो रही थी वो, बोले हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कोई हमारा सम्मान कर सकता है। एक साड़ी डिब्बे से बहुत वो धनी बन गए ऐसा नहीं है, पर उन्हें लगा कि केवल बड़े लोग दीपावली मनाते हैं ऐसा नहीं है, हमें भी अपने उत्सव में उन्होंने शामिल कर लिया है। उन सबको, छोटे छोटे बच्चों को, और मोमबत्तियां दी गई, पटाखे दिए गए। और मुझे लगता है मेरी जितनी भी दीपावलियां हैं वो सबसे अच्छी दीपावली मनी थी उस साल। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे उत्सव में किसी गरीब को शामिल कर दें? चले जाएं किसी झोंपड़ी में जाकर किसी को कुछ दे आए। भगवान में कई बातों से सहमत नहीं होता, और लोग भंडारे लगाते हैं ना, तो मैं उसके विरोध में नहीं हूं, पर आपका धन आप लगाएं, मेरी हर बात मानी जाए, कोई ऐसा भी आवश्यक नहीं। पर मुझे बहुत बार लगता है तृप्त लोगों को भंडारा लगाने का पुण्य ज्यादा नहीं मिलता है। गाड़ियों में बैठ के लोग आते हैं, कूड़ा खाते हैं, पॉलिथिन में भर के ले जाते हैं, लास्ट में ये और कहते हैं हलवा में थोड़ा सा घी डल जाता तो स्वाद ज्यादा आ जाता, थोड़ा सा घी कम था। हम भंडारे किसके लिए लगा रहे हैं? गाड़ियों में लोग आते हैं, खाते हैं, पॉलिथिन भर के चले जाते हैं, और जिनको भूख लगी होती है मंदिर के धर्मशाला के दरवाजे से फटकार के उनको भगा दिया जाता है। भगवान भी खड़ा खड़ा सोचता है दरिद्र नारायण के रूप में मैं भोजन करने आया था, मुझे तो भगा दिया गया, और इन लक्ष्मी नारायणों को खिला रहे हो, श्रीमंतों को खिला रहे हो। हम विचार करें हमारे उत्सवों में समाज के वंचित लोगों को, समाज के पात्र लोगों को हम शामिल करें। हमें कुछ ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण का 56 भोग लगे अच्छी बात है, किसी गौशाला में जाकर 56 गायों को कुछ खिला के आ जाओ, गायों के लिए करें। कभी कभी पढ़ते हैं कि वहां कोई भूख से मर गया। स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो कहा करते थे किसी गली के लोग हर सावन में
सोमवार को शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी को दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, गन्ने के रस से अभिषेक करें, और उस गली में अगर कोई आदमी प्यास से मर जाता है, उस गली के लोगों से महादेव रूठ जाता है, रूठता है महादेव, मुझे मनाते नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने कोई। हम सारी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, सारी दुनिया की जिम्मेदारी ना लें, हम एक मोहल्ले की, एक नगर की, अथवा मेरी आंखों के सामने कभी ऐसा दृश्य आए, हे ईश्वर मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं कुछ कर सकूं, ये संकल्प हमें जरूर बनाना है।